कोरोना वायरस के पुराने स्ट्रेन का अभी तक कहर थमा भी नहीं है। वो लगातार लोगों को परेशान किए जा रहा है, लगातार उसके केस सामने आ रहे हैं और लोगों की मौतें भी हो रही हैं। और इसी बीच में कोरोना के नए स्ट्रेन ने आकर लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है, क्योंकि वो पुराने कोरोना से 70% ज्यादा तेजी से फैल रहा है। जिसके बीच में कोरोना वैक्सीन की भी कई अपडेट्स है, लोग कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं और इसके कई साइड इफेक्ट्स की खबर आ रही है। कुछ अच्छी खबर है तो कुछ बुरी खबर है, जिनमें से मैं आपको आज बताने जा रही हूँ टॉप 5 खबरें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैशाली गोगिया और चलिए आज के इन टॉप 5 खबरों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, पहली जो अपडेट है वो ये है कि ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन ने बहुत ही ज्यादा कहर मचा दिया है। पिछले 2 दिन में 50,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। कोरोना वायरस की शुरुआत चाइना से हुई, लेकिन कोरोना के नए स्ट्रेन की शुरुआत ब्रिटेन से हुई है। ब्रिटेन कोरोना वायरस से पीड़ित देशों में 5वें स्थान पर आता है। यहाँ अभी तक 27 लाख केस सामने आए हैं और 57,000 लोग अपनी इस वायरस से जान गंवा चुके हैं। वहीं नए स्ट्रेन ने तो यहाँ पर आकर तबाही ही मचा दी है, इसलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने देश में एक बार फिर से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में ब्रिटेन में 58,000 केस सामने आए हैं, जो कि लोगों को टेंशन में डाल रहा है। इसीलिए लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन में एक बार फिर से लॉकडाउन का ऐलान हुआ है। दूसरी जो अपडेट है वो ये है कि वाराणसी में साइकिल से वैक्सीन लेकर पहुंचा है एक कर्मचारी, जिस पर पीएमओ ने इस पर जवाब मांगा है। जी हाँ, वाराणसी में 6 जगह पर कोरोना वायरस वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जो कि एक ट्रायल है, जहां पर 25-25 लोगों पर इसका ट्रायल किया जाएगा और ट्रायल सुबह 10 बजे शुरू होना था। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर इतनी लापरवाही देखी गई कि जिसका ट्रायल होना है वो ही समय पर नहीं पहुंचा और जिनको ट्रायल करना है उनकी भी मौजूदगी बिल्कुल मिल रही। जी हाँ दोस्तों, दरअसल कबीर चोरा के महिला अस्पताल में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया होनी थी, जहां पर 25 लोगों का वैक्सीनेशन होना था और यहां पर कर्मचारी 10:30 बजे तक भी मौजूद नहीं थे। जहां पर वेटिंग रूम में लोगों को आना था उनके लिए तो कुर्सियां तक नहीं रखी गई और साथ ही में एक कर्मचारी वैक्सीन को साइकिल पर लेकर आया। और जब इस बारे में पीएमओ को पता चला तो पीएमओ ने प्रशासन से इस पर जवाब मांगा है। और ये वाकई में काफी शर्मनाक बात है कि इतनी ज्यादा तैयारियां होने के बावजूद भी इस तरह की लापरवाही देश में सामने आ रही है। तीसरी जो अपडेट है वो ये है कि वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट आपस में भिड़ पड़े हैं। जी हाँ, 1 जनवरी को सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड को DCGI की तरफ से मंजूरी मिल गई इमरजेंसी इस्तेमाल की, तो 2 जनवरी को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को भी मंजूरी मिल गई। मंजूरी मिलने के साथ ही इन दोनों वैक्सीन कंपनीज के बीच में मनमुटाव देखने को मिला, जहां पर ये दोनों ही कंपनियां एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रही है। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला का कहना ये है कि चलो हमारी वैक्सीन को तो मंजूरी मिल गई है, लेकिन यहाँ पर ऐसी और भी कई वैक्सीन हैं जिनके ट्रायल भी पूरे नहीं हुए हैं और उनकी सुरक्षा के अभी तक पूरे डेटा भी मौजूद नहीं है, तो उन्हें किस प्रकार से सुरक्षात्मक रूप देखते हुए उन्हें मंजूरी दे दी गई। तो यहाँ पर भारत बायोटेक के मालिक भी कहीं पीछे नहीं है, उन्होंने भी इस बात पर जमकर जवाब दिया है, उनकी वैक्सीन को लेकर भी सवाल उठाए हैं। CEO अदार पूनावाला का कहना है कि यहाँ पर हमारी वैक्सीन को छोड़कर बाकी वैक्सीन को जो मंजूरी दी जा रही है वो वैक्सीन पानी तुल्य सुरक्षित है, इसके अलावा कुछ और नहीं। चौथी जो अपडेट है वो ये है कि फाइजर की वैक्सीन लगवाने के बाद एक महिला स्वास्थ्य कर्मी की 48 घंटों के बाद मौत और पिता ने इस पर जवाब मांगा है। जी हाँ, दरअसल एक महिला स्वास्थ्य कर्मी को वैक्सीन लगाई गई और वैक्सीन लगवाने के 48 घंटे के बाद महिला स्वास्थ्य कर्मी जिनकी आयु 41 वर्ष है, नए साल के दिन उनकी मौत हो गई और इस पर उनके पिता ने इसे जवाब मांगा है कि आखिर ये किस प्रकार हुआ, क्योंकि उनके पिता का कहना है कि मेरी बेटी जो 41 वर्षीय है और 2 बच्चों की माँ है, वो एक स्वास्थ्य कर्मी है और उन्हें फाइजर की वैक्सीन लगवाई गई। उन्हें ना तो कोरोना था और ना ही कोई दूसरी बीमारी और वैक्सीन लगवाने के बाद उन्हें ना ही कोई साइड इफेक्ट भी हुआ, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी बेटी की मौत इस तरीके से हो जाए वैक्सीन लगवाने के 48 घंटे के बाद, आखिर किस तरीके से हुआ, उन्हें इस पर जवाब चाहिए। आपको बता दें कि मामला पुर्तगाल के पोर्टो का है और वो महिला स्वास्थ्य कर्मी जिनका नाम है सोनिया एकोवेडो, उनकी मौत हो गई है फाइजर की वैक्सीन लगवाने के 48 घंटे के बाद। पांचवी जो अपडेट है वो ब्रिटेन को लेकर है, क्योंकि यहाँ पर मिक्स्ड एंड मैच वैक्सीनेशन पर बाकी देशों में बहस छिड़ गई है।
दरअसल कोरोना वैक्सीन जितनी भी सामने आई है उनमें दो डोज लगवाने अनिवार्य है, जिनमें लगभग एक महीने का अंतराल होना चाहिए। अब ऐसे में वैक्सीन के डोज कम ना पड़ जाए तो ब्रिटेन ने एक नई गाइडलाइंस जारी की है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर बन गई है और ये चर्चा का विषय हो गया है। दरअसल ब्रिटेन में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जहां पर नए नए अपडेट भी सामने आ रहे हैं। इसी बीच में नई गाइडलाइंस ने सबको बात करने का एक मौका दे दिया है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के दौरान सबको वैक्सीन लगने के बाद अगर किसी को एक कंपनी की वैक्सीन लगी है तो बाद में वो किसी और कंपनी का वैक्सीन लगवा सकता है और इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस पर उन्होंने ये भी कहा कि किसी सिचुएशन में कुछ ना मिलने से बेहतर होता है कि कुछ तो मिले। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें। आपके लिए इसी तरीके से हर रात 8 बजे टॉप 5 खबरें लेकर आते रहेंगे। आप बस चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।